बहुत समय पहले एक राधे नाम का गांव था। उस गांव में एक जादुई तालाब थी जिसका पानी हीरे जैसे चमकता था। उस तालाब में बहुत सारे हीरे थे। कोई भी मजबूर गांव वाला इस तालाब से मदद मांगता था तो जादुई तालाब उसमें से उन्हें एक हीरा निकाल कर दे देती थी। गांव वालों को इस तालाब से बहुत प्यार था। उसी गांव में एक लोहार लक्ष्मण अपनी बीवी मंजू और बेटी हीना के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। अरे लक्ष्मण, लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा मिट्टी से बना घर टूट जाएगा। मंजू लक्ष्मण को देखकर फिक्रमंदी से बोलती है, अरे मंजू, ये तो हर साल का रोना है। हमारे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं रहे कि हम अपना घर ठीक से बनवा सकें। लक्ष्मण इंतहाई दुख भरे लहजे में मंजू का जवाब देता है। उसी रात बहुत तेज तूफानी बारिश होने के कारण लक्ष्मण का घर टूट जाता है और वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। रीना घबराकर माँ से पूछती है, माँ हमारा घर तो टूट गया, अब हम सब कहाँ रहेंगे? रीना बेटी घबराओ मत, हमारा नया घर फिर बन जाएगा और हम फिर से एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। फिर मंजू लक्ष्मण की तरफ मुड़कर बोलती है, लक्ष्मण हमारा घर तो बारिश में ढेर होकर बह गया, क्यों ना हम जादुई तालाब से मदद मांगे। मैंने सुना है वो जादुई तालाब सब मजबूर गांव वालों की मदद करती है। हाँ मंजू, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, हमें जादुई तालाब की मदद लेनी चाहिए। अब वही है जो हमें इस मुसीबत से बचा सकती है। लक्ष्मण और मंजू फिर जादुई तालाब के पास जाते हैं। जादुई तालाब इन दोनों को देखकर पूछती है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो, मुझे बताओ। जादुई तालाब, हम बहुत परेशान हैं। कल रात की तूफानी बारिश के कारण हमारा मिट्टी का घर ढेर हो गया और बारिश में भीग गया है, इसलिए हम आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगी? हाँ, मैं तुम दोनों की मदद ज़रूर करूँगी। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत होना, मुझे तुम सबकी मदद करना अच्छा लगता है। फिर जादुई तालाब एक हीरा निकाल कर लक्ष्मण और मंजू को दे देती है। वो दोनों उसे लेकर वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। फिर वो दोनों इन पैसों से एक छोटा सा घर बना लेते हैं। कन्हैया और राजेश तालाब को देखकर चर्चा कर रहे होते हैं, अगर हमारे गांव में जादुई तालाब ना होता तो पता नहीं हम सबका क्या होता। कन्हैया राजेश से बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस जादुई तालाब ने हमेशा हमारी मदद की है। ऐसी बातें करते करते अचानक उनके मन में लालच आ जाता है, इस तालाब में जितने भी हीरे हैं अगर वो हमारे हो जाएं तो कैसा रहेगा। राजेश तालाब को देखते हुए पुरसोच अंदाज में कहता है, कन्हैया बोलता है, हाँ यार कह तो तू ठीक रहा है कि ये सारे हीरे, मगर ये सारे हीरे हमारे कैसे हो सकते हैं? ये तालाब तो सबको एक एक ही हीरा देती है, वो भी जब कोई तकलीफ में हो तो। राजेश कन्हैया को बोलता है, अरे क्यों नहीं हो सकता, आज जब सब सो जाएंगे तो हम यहाँ आकर इस तालाब में से सारे हीरे निकाल कर ले जाएंगे। कन्हैया, हाँ ठीक है, तब मैं आज रात को जाल लेकर आऊँगा। राजेश, अरे बेवकूफ, तालाब से मछली नहीं पकड़नी है जो तू जाल लेकर आएगा, तू एक बड़ा सा बैग लेकर आना जिसमें हम सारा हीरे जमा करके ले जाएंगे, और फिर तब तुम एडनी और मैं अंबानी। दोनों हंसने लगते हैं ऐसा कहकर। फिर वो दोनों आपस में बात करते हुए रात होने का इंतजार करते हैं और आधी रात होने पर दोनों जादुई तालाब के पास आते हैं। अरे क्या बात है, इतनी रात में तुम दोनों, क्या कोई तकलीफ है? तकलीफ है तो तुम लोग मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। जादुई तालाब कन्हैया और राजेश को देखकर बोलती है, वो क्या है ना जादुई तालाब, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और तुम देखो ना हमने कितने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। राजेश तालाब को देखकर बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी और तुम्हें एक हीरा इस तालाब में से दूंगी। राजेश जादुई तालाब से बोलता है, हमें एक हीरा नहीं चाहिए, हमें तो इस तालाब में जितने भी हीरे हैं वो सब चाहिए। नहीं नहीं,
तुम ऐसा मत करो, तुम्हें जितने भी हीरे चाहिए तुम मुझसे ले लो, पर इस तालाब को हीरों से खाली मत करो। मगर वो दोनों जादुई तालाब की एक नहीं सुनते और तालाब में से उतरकर जैसे ही उन्होंने एक हीरा निकाला वैसे ही जादुई तालाब का पूरा पानी सूख गया और पूरा तालाब काला पड़ गया। अरे अरे ये क्या हो गया, सारे हीरे कहाँ गायब हो गए? कन्हैया घबरा कर राजेश से बोलता है, अरे ये तालाब का पानी भी पूरी तरह सूख कर काला हो गया है। राजेश कन्हैया से बोलता है, अरे ये सब छोड़ और चल जल्दी यहाँ से, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले, चल चल जल्दी निकल। अगली सुबह गांव वाले मदद के लिए तालाब के पास आते हैं तो तालाब की ऐसी हालत देखकर उन सबके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, तालाब की ऐसी हालत किसने कर दी? हम तो इस तालाब से मदद मांगने आए थे, अब हमारी मदद कौन करेगा? सब गांव वाले तालाब को देखकर दुखी हो रहे होते हैं। तुम लोग मेरी मदद करो, जब तुम लोगों को मेरी जरूरत थी तो मैंने हमेशा तुम लोगों की मदद की है, अब मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। तालाब तमाम गांव वालों की तरफ देखकर बोलती है, जादुई तालाब हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तमाम गांव वाले एक जुबान बोलते हैं। तालाब उनको बताती है, यहाँ से दूर पहाड़ियों के पीछे आम का पेड़ है, इस आम के पेड़ में से एक पत्ता लाकर इस तालाब में डाल दो, मुझ में फिर से जान आ जाएगी और मैं फिर से पहले जैसी हो जाऊंगी। गांव वाले तालाब की बात पर बोलते हैं, अरे बस इतनी सी बात, हम वो आम का पत्ता जरूर लाकर देंगे। तमाम गांव वाले खुशी खुशी बोलते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस आम के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है और वो इस आम के पेड़ के पास किसी को भी नहीं आने देती। जादुई तालाब के मुंह से चुड़ैल का नाम सुनकर तमाम गांव वाले डर जाते हैं। क्या चुड़ैल? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा, इस चुड़ैल के पास जाकर किसी को मरना है क्या? मैं तो नहीं जाऊंगा, माफ करना जादुई तालाब, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। गांव वालों की ऐसी बात सुनकर जादुई तालाब बहुत दुखी होती है और तभी वहां से लक्ष्मण आ रहा होता है और गांव वालों की सारे बातें सुन लेता है। जादुई तालाब तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आपने भी तो हमारी मदद की थी। लक्ष्मण की ये बात सुनकर जादुई तालाब खुश हो जाती है। फिर लक्ष्मण घर जाकर मंजू को पूरी बात बताता है और उसकी मदद करने को तैयार होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे बुरे वक्त में जादुई तालाब ने भी हमारी बहुत मदद की थी, अब हमारी बारी है उनकी मदद करने की। मंजू की पूरी बात सुनकर लक्ष्मण आम के पत्ते लाने के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पहुँचता है। तभी रास्ते में इसको एक परी मिलती है। परी लक्ष्मण को देखकर बोलती है, मैं जानती हूँ तुम जादुई तालाब की मदद करने के लिए आम के पत्ते लेने जा रहे हो, लेकिन इस आम के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है, वो तुम्हें इस पेड़ को छूने भी नहीं देगी, इसके लिए ये लो मेरी जादुई छड़ी, 3 बारी से चुड़ैल के सामने घुमाना जिससे वो बेहोश हो जाएगी और तुम आराम से आम के पत्ते ले सकते हो। लेकिन परी आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? लक्ष्मण परी को देखकर पूछता है, मैं हर उस इंसान की मदद करती हूँ जो मुसीबत में हो या किसी की मदद करने की कोशिश करे, और तुम भी नेक काम कर रहे हो लक्ष्मण, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ऐसा कहकर परी लक्ष्मण को जादुई छड़ी दे देती है। फिर लक्ष्मण इस पेड़ के पास पहुँचता है और देखता है कि चुड़ैल इसकी तरफ फड़ रही है। फिर लक्ष्मण छड़ी को 3 बार उसके सामने घुमाता है जिससे चुड़ैल बेहोश हो जाती है। फिर लक्ष्मण आम के पत्ते आराम से तोड़ लेता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे परी मिलती है, वो उसका शुक्रिया अदा करता है, परी आपकी वजह से मैं ये आम का पत्ता ले पाया, और जादुई तालाब के पास पहुँचता है और आम के पत्ते उसमें डाल देता है जिससे जादुई तालाब खुशी से फिर पहले जैसी हो जाती है। यह देखकर लक्ष्मण बहुत खुश होता है। शुक्रिया लक्ष्मण, आज मैं तुम्हारे कारण फिर से पहले जैसी हो गई हूँ, मैंने गांव वालों की कितनी मदद की, जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं भी हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ।
ऐसा कहकर लक्ष्मण को वो बहुत सारे हीरे देती है, फिर वहां से उड़कर चली जाती है। फिर इस गांव का तालाब हमेशा हमेशा के लिए सूखा पड़ जाता है। अगली सुबह ये देखकर गांव वाले बहुत दुखी होते हैं। जिस तालाब ने गांव वालों की इतनी मदद की, पूरा वक्त आने पर उन्होंने इसका साथ नहीं दिया और गांव वालों का इस बात का बहुत पछतावा भी होता है। लक्ष्मण घर आकर मंजू को सब बताता है और लक्ष्मण को जो बहुत सारे हीरे मिले होते हैं, इनको बेचकर वो बड़ा सा घर बनाता है और अपना नया काम शुरू करता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।